कक्षा 10वीं के जितने भी विद्यार्थी हमारे मेस के परीक्षा देने जाएंगे 13 फरवरी के दिन, तो बिल्कुल संकोच मत करिए। मैंने आपसे वादा किया है अब की बार आपको 90 पार लेके चलूंगा। उसी श्रृंखला में एक बेहतरीन सा अपन यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर समझेंगे। ये देख लीजिएगा, यहाँ पर किसी पूर्णांक के क्यू के लिए प्रत्येक विषम पूर्णांक का जो रूप होगा वो होगा 2q+1। द्विघात बहुपद में बहुपद की जो घात है वो कितनी होगी? 2। ठीक है, a1/a2 = b1/b2 ≠ c1/c2। ऐसी कंडीशन में तो देखो बेटा कोई भी हल नहीं होता है, और अनंत अनेक हल की स्थिति ये है और आदित्य हल की स्थिति ये है, तीनों में से एक स्थिति जरूर पूछता ही पूछता है। यहाँ से 8 हो जाएगा, ये यहाँ से आपका 50 डिग्री का जाएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, माध्यक का फॉर्मूला है ये। ठीक है, इसके बाद में हम बात करें, ये चूज ऑफ द करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है भैया, चलिए यहाँ से देखिएगा, ये वर्ग समीकरण हो जाएगा। जब किसी अनुक्रम में पदों के नियम को किसी किसी नियम के द्वारा लिखते तो इसे कहते हैं श्रेणी। सभी व्रत जो होते हैं वो समरूप होते हैं। नीचे खड़े रहकर व्यक्ति को यदि ठीक है गर्दन को ऊपर की ओर घुमाना पड़ता है, ठीक है, तो ऊपर की ओर देखेंगे तो उन्नयन कोण है, और नीचे गर्दन को झुकाएं नीचे की ओर देखेंगे, यदि छत पे से व्यक्ति खड़ा होकर नीचे देख रहा रोड को तो वो कहलाएगा आपका अवनमन। और यदि व्यक्ति नीचे से कोई इसी छत को ऊपर देख रहा है, मतलब किसी व्यक्ति को, ठीक है, गर्दन को ऊंची करके, तो वो कहलाएगा उन्नयन कोण। यहां से त्रिज्यखंड का फॉर्मूला यही होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360, और बेलन के आयतन का फॉर्मूला हो गया पाई आर स्क्वायर 1/3, सॉरी पाई आर स्क्वायर एच होता है ना। ठीक है, यहां से आप देख सकते हैं, हो गया इतना। अब विविक्तकार शून्य हो तो देखिए, विविक्तकार जब शून्य होते हैं तो मूल कैसे होते हैं? मूल होते हैं वास्तविक और समान। ठीक है, मूल समान और कैसे होते हैं? वास्तविक होते हैं। समरूप त्रिभुज, समरूप त्रिभुज, ठीक है, समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। x,0 बिंदु की भुज, x,0 बिंदु की भुज x है, क्योंकि भुज आगे वाले कहते हैं, कोटी पीछे वाले कहते हैं, यदि इसकी कोटी पूछता तो 0 लिखते हैं। साइन 30 डिग्री, साइन 30 का मान हो जाएगा cos 60 डिग्री। sec थीटा, sec थीटा का जाएगा 1/cos थीटा, और 1+tan² थीटा जाएगा sec² थीटा। ठीक है भैया, यहां से देख लिया, बढ़िया से ले लिया स्क्रीनशॉट। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं, यहां से अपन अच्छे समझेंगे है ना, हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है ये। ये देख लीजिए, भर दिया है पहले से, आगे बढ़ते हैं। समीकरण ax² + bx + c = 0 में b² - 4ac को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं अपन विविक्तकार। क्या कहते हैं? विविक्त यहां पर ये समांतर श्रेणी है या नहीं है? ठीक है, यहां पर इसका सार्वंतर क्या है? समान नहीं रहेगा सोल्व करोगे तो, इसलिए समांतर श्रेणी नहीं है। वहां रेखा क्या कहलाएगी? जो हमारी आंख से भूमि के सीधे समांतर जाती है, तो जो भूमि के समांतर सीधे जाती है ना उसे कहते हैं अपन क्षैतिज रेखा। एक वृत्त की कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? तो एक वृत्त के समांतर है ना 2, या तो फिर इस टाइप से खींच दो या इस टाइप से खींच दो, कितनी खींची जा सकती है? 2, केवल 2। और यहां पर इसका 6a² आ जाएगा, और अंत में आ जाएगा एक असंभव घटना की प्रायिकता कैसी होती है? 0 होती है, संभव की 1 हो गया इतना। चलिए यहां से आप देख सकते हैं, ये बढ़िया से कंप्लीट करना है ना आप, तो जितना मैं बता रहा हूं उतना आप कंप्लीट करो, बाकी सब मेरी जवाबदारी है। ठीक है, यहां से देखिए अगला देखते हैं। प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, तो भाई साहब प्राकृत संख्या अंदर घुस जाएगी पूरी की पूरी पूर्ण में, तो ये बिल्कुल सत्य है आपकी बात। समांतर श्रेणी में के पद सदैव बढ़ते क्रम में नहीं, घटते क्रम में भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है 9, 7, 5, 3, 2 ऐसे भी आ सकते हैं,
तो ये बात आपकी असत्य रहेगी। समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा है, समकोण त्रिभुज में कर्ण जो सबसे बड़ी भुजा है, तो बिल्कुल 4.0 और 0.3 के बीच की दूरी 5 इकाई है, ये आपका असत्य रहेगा। शंकु का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है, ये बिल्कुल सत्य है। किसी घटना की प्रायिकता ऋणात्मक भी हो सकती है। ठीक है भैया, यहां से आप ध्यान से देखेंगे, ये ऋणात्मक कभी भी नहीं होती, धनात्मक होती है ना। और क्वेश्चन नंबर 6 से आप ध्यान से देखो, 5005, ये सारे सवालों का सॉल्यूशन मैं अगले वीडियो में आपको प्रोवाइड कराऊंगा। पहले अपन है ना इनको अच्छे से पेपर को बता देता हूं मैं, फिर इनका अपन सॉल्यूशन देखेंगे 2 से 3 दिन के बाद में। 5005 को अभाज्य गुणनफलों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात करना है, फिर इसको आपको एलसीएम ज्ञात करना है। सिद्ध कीजिए कि 7 करनी 5 एक अपरिमेय संख्या है। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6n अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है। द्विघात व्यंजक 4x स्क्वायर प्लस 5 अंडर रूट 2x माइनस 3 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध ज्ञात कीजिएगा। एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है आपको, जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः इस तरह का रहेगा आपका। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, ये आपका 10 रहेगा, हो गया। यहां से देख लीजिए क्वेश्चन नंबर, ये आपका 11, ये 12 है, ये 13, क्वेश्चन नंबर 14, ये आपका 15। यदि पी की प्रायिकता है 0.05 और पी नहीं की प्रायिकता क्या होगी, ये क्वेश्चन नंबर आपको 15-16 हो गया है, हो गया। ये यहां से देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन नंबर 18, ये क्वेश्चन नंबर 19, ये क्वेश्चन नंबर 20, ये आपका क्वेश्चन नंबर 21 हो गया। यहां से आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन नंबर 22 रहेगा आपका,